कर्मों के संबंध में पूछा गया, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम सुनते, स्वयं भ्रमन्ति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। जीव कर्म आप करे फल हो भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत है आप। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्य और स्वयं अपने किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है, स्वयं भ्रमंत संसारे और स्वयं इस संसार में वो भ्रमण करता है अर्थात आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, पुनरपि जननम पुनर्भमरणम का चक्र चलता रहता है और स्वयं कर्मों की निर्जरा करके साधना करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जीव कर्म आप करे फल हो भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत है आप। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। किस राज्य का त्याग कर देना चाहिए, किस मित्र को छोड़ना चाहिए, किस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, किस शिष्य का त्याग कर देना चाहिए, तो चाणक्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, वरम न राज्यम न कुराज राज्यम वरम न मित्रम न को मित्र मित्रम वरम न शिष्यो न को शिष्य शिष्यो वरम न दारा न कुदार दारा। बहुत अच्छा बताया कि बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं, और बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र का होना अच्छा नहीं, और बिना शिष्य के रहना अच्छा किंतु नीच शिष्य का होना अच्छा नहीं, बिना स्त्री के रहना अच्छा है परंतु दुष्ट स्त्री का होना अच्छा नहीं। इसलिए यदि आपकी दुष्ट स्त्री हो उसको त्याग कीजिए, दुष्ट शिष्य हो उसको भी त्याग कीजिए, दुष्ट मित्र हो उसको भी त्याग कीजिए, और दुष्ट राजा हो तो उस राजा के राज्य को त्याग करके दूसरी जगह जा करके आप निवास करिए, क्योंकि दुष्ट राजा आपको परेशान करता रहेगा, बर्बाद करेगा, दुख देगा, कष्ट देगा, कभी शांति नहीं लेने देगा, और दुष्ट मित्र आपको धोखा देकर कहीं मरवा डालेगा, और दुष्ट नीच शिष्य है वो ऐसे कुकर्म दुष्कर्म करेगा जो आपका भी नाम डुबा देगा, आप भी दर्शन देने लायक नहीं रह जाओगे, और जो दुष्ट स्त्री है उल्टा स्त्री वो चरित्रहीनता में फंस करके व्यभिचारिणी बन करके तुमको जहर देकर भी मार सकती है। इसलिए उल्टा दुष्ट नीच स्त्री को त्याग कर देना चाहिए और नीच और कपटी शिष्य को त्याग कर देना चाहिए और दुष्ट और धूर्त और कपटी दोस्त को भी त्याग कर देना चाहिए और धूर्त राजा को भी त्याग कर देना चाहिए, उसके राज्य में नहीं रहना चाहिए। वरम न राज्यम न को राज राज्यम वरम न मित्रम न को मित्र मित्रम वरम न शिष्यो न को शिष्य शिष्यो वरम न दारा न कुदार दारा। कितना सुंदर समझाया है, बहुत अच्छी सावधानी चाणक्य दे रहे हैं। चाणक्य से किसी ने पूछा, वे कौन सी बातें हैं, वे कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन से कार्य हैं, वो कौन सी स्थिति है जिसको किसी को कभी बताना नहीं चाहिए, हमेशा गुप्त रहना चाहिए, उससे अपना सम्मान बना रहता है। तो चाणक्य कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुष्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा मतिमान प्रकाशयेत। अर्थनाशम, यदि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसके धन का यदि नाश हो गया है, धन खो गया है या धन गिर गया है या धन कोई छीन लिया है, धन कोई लूट लिया है, धन कोई ठग लिया है, इस बात को या मन में कोई संताप है, चिंता है, टेंशन है, दुख है, इस बात को, और घर में कोई बुराई है, घर में अपने कोई कमी है, कोई घर में मिस्टेक है उसको, और किसी धूर्त से ठगे जाने को, और कहीं अनादर हुआ है इस बात को, बुद्धिमान व्यक्ति किसी को कभी नहीं बताता है और बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कहीं अनादर हुआ है आप उसको दूसरी जगह बताओगे, लोग वहाँ भी अनादर करेंगे,
कहेंगे ये आदमी गलत है, इसलिए वहाँ अनादर हुआ है, अब यहाँ आया है। आप कहीं ठगे गए हो, कहीं बताओगे तो लोग कहेंगे मूर्ख है, ठगा के आया है। आपके घर में कोई कमी है बताओगे तो लोग आपके घर की पोल जान जाएंगे, घर का वेद जान जाएंगे। घर की कमी आप घर ही तक सीमित रखिए, अपने बाउंड्री के बाहर उसको बाहर मत निकलने दीजिए, किसी की जानकारी मत होने। मनस्तापम, और मन में कोई दुख है, चिंता है, टेंशन, उसको भी किसी और को बताओगे, लोग हंसी करेंगे, खिल्ली करेंगे, कोई तुम्हारा दुख बटाने वाला थोड़े है। और अर्थनाशम, तुम्हारे धन का नाश हो गया है, उसको भी सबसे प्रचार करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी, कहेंगे बर्बाद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन के नाश को और किसी ठग के द्वारा ठगे जाने की बात को, अपने घर की बुराई को और मन के दुख चिंता को और कहीं अपमान हुआ है उस बात को किसी से कभी नहीं बताता है, उसको बताना भी नहीं चाहिए। इन बातों को बिल्कुल पी जाना चाहिए, हजम कर जाना चाहिए। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुष्चरितानि च वंचनम चा अपमानम चा मतिमान प्रकाशयेत, मतिमान प्रकाशयेत। कितना सुंदर श्लोक है। मनुष्य को दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को तृप्ति किस चीज से मिलती है, कैसे उसका मन तृप्त होता है? क्या सामान पाने से तृप्ति होती है, भोगों को भोगने से तृप्ति होती है? कभी नहीं। जब तुम भोजन करते हो, स्वादिष्ट भोजन करते हो, तो आपका पेट तो भर जाता है लेकिन फिर भी जीभ तृप्त नहीं होती। अगर ये जीभ तृप्त हो जाए तो कल स्वाद की मांग ही न करे। यदि भोगों को भोगने से आपकी इंद्रियां तृप्त हो जाएं तो अगले दिन फिर भोगों की मांग ही न करें। इसलिए भोगों को भोगने से इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं, स्वाद देने से जीभ तृप्त नहीं होती है, रसीले मीठे फिल्मी गीत गाने सुनने से कान तृप्त नहीं होते हैं, तो कैसे तृप्त होते हैं? ये त्याग से तृप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, उसी से तृप्ति होगी। और संतोष, संतोषामृत तृप्तानां तत्सुखं शान्तचेतसां न च तद्धनलुबुधानां इतश्चेतश्च धावताम। संतोष रूपी अमृत का पान करने वाले लोग सदैव तृप्त रहते हैं, और जो इधर उधर दौड़ने वाले धन के लोभी हैं वे कभी भी सुख नहीं पाते हैं। जो संतोष रूपी अमृत का पान करता है तत्सुखम, वही सुख प्राप्त करता है। शांत चेत शांत, उसकी चेतना में शांति आती है। और नच तद्धन लुब्धानाम इतस्चेतस धावताम, और धन के लोभी जो इधर उधर लालच में दौड़ते भागते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चोरी चपारी करते, झूठ बोलते, छल कपट करते हैं, ऐसे लोग कभी भी सुख नहीं पाते हैं, न शांति पाते हैं। इसलिए मनुष्य को संतोष भी करना चाहिए और अपनी अच्छी कमाई ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। और चाणक्य से किसी ने पूछा है, सबसे बड़ा तप क्या है, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो चाणक्य कहते हैं, शांतुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात परम सुखम ना तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समः, नच धर्मो दया समः। शांति से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। नच धर्मो दया समः। शांतुल्यम तपो नास्ति, आपके यदि मन में शांति है, प्रसन्नता है, तो समझो आप तपस्वी हैं, और जब तक तपस्वी आप नहीं होंगे मन प्रसन्न होगा भी नहीं। और तपस्वी का मतलब होता है क्षमा रूपम तपस्वी नाम, जिसके पास में क्षमा है, सहनशीलता है, नम्रता है, वही तपस्वी है। और जो तपस्वी है उसी को शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शांतुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात परम सुखम, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं।
ना तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समः। और तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, तृष्णा बहुत बड़ी बीमारी है। तृष्णा वह रोग है, विश्व का कितना ही धन मिल जाए लेकिन वो आदमी कभी खुश नहीं होता है, हमेशा हाय हाय में पड़ा रहता है। इसलिए इस तृष्णा के रोग से भी बचो, ये सबसे बड़ी बीमारी है। नच धर्मो दया समः, और दया के समान कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म दया है। इसलिए दयालु दिल बनाइए। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास क्या कहते हैं, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं दया ही धर्म का मूल है, और जब तक शरीर में प्राण है दया धर्म का अनुपालन कीजिए। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी कहते हैं दया ही धर्म है, दया पालो। और दया का मतलब होता है प्राणियों की रक्षा करना, प्राणियों को ना मारना। रहम और दया दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। मुस्लिम भाई जिसको रहम कहते हैं, हिंदू भाई उसको दया कहते हैं। हिंदू दयालु होते हैं, मुस्लिम रहम करने वाले होते हैं। इसलिए मुस्लिम लोग भी मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं खाते हैं, वे भी शाकाहारी रहते हैं, जो कुरान शरीफ का जिनको सही ज्ञान है। और हिंदू भाई भी मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं खाते हैं, क्योंकि वे दया धर्म का पालन करते हैं। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समः। चाणक्य से अगला प्रश्न पूछा गया कि यमराज कौन है, बैतरणी नदी कौन है, कामधेनु गाय कौन है, और इंद्र का नंदन वन कौन है। चाणक्य कहते हैं, क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम। संतोष ही इंद्र का नंदन वन है। नंदन वन संतोष को बताया गया है, इसलिए मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्रोधो वैवस्तो राजा, क्रोध यमराज का रूप है। यमराज कोई और नहीं है, क्रोध ही यमराज है। जब क्रोध आए तो समझ लो यमराज आया है, क्योंकि यमराज आता है वो भी मारता है, क्रोध आता है ये भी मारता है। तो क्रोध यमराज का रूप है, इसलिए क्रोध के स्थान पर करुणा करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा ही बैतरणी नदी है, तृष्णा ही भवसागर है। तृष्णा नदी को पार करना बहुत कठिन है, और जीते जी इसको पार करना है तो तृष्णा को जीतने के लिए दान करना चाहिए। दानी बनो, आपकी तृष्णा रूपी नदी सूख जाएगी, ये बैतरणी नदी सूख जाएगी, और जीते जी तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम। और विद्या कामधेनु गाय है। जैसे कामधेनु गाय के बारे में आपने सुना है कि उसको सुबह दुहो, शाम दुहो, रात में दुहो, फिर दुहो, बार बार दुहो, हर घंटे में दुहो। कामधेनु गाय जब मेहमान आते तब दूध दो लो, ताज़ा दूध पिलाओ उनको। ऐसे विद्या कामधेनु गाय है, ये जब जब आपको जरूरत होगी तब तब आपके काम आएगी, चाहे इसको जितना दुहो चाहे जितना काम लो। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात,
ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। विद्या दुखा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम क्रोधो वैवस्तो राजा। वैवस्तो माने यमराज होता है, क्रोध यमराज का रूप है। तृष्णा वैतरणी नदी है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने बहुत सरल शब्दों में बताया है, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात् विषयान् विषौ त्यजे क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीवो सुवत पीऊ। हे भाइयों, यदि आपको मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को जहर की तरह छोड़ दीजिए। विषयान विषौ त्यज, विषयों को विष समझ करके उसका त्याग कीजिए। और यदि आप मुक्ति चाहते हो तो फिर याद रखना क्या करना है आपको, क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूष वत पीऊ। क्षमा को अर्थात सहनशीलता को, आर्जवम माने सरलता को, नम्रता सरलता को, दयाम माने प्रेम करुणा दया भाव को, शौचम माने पवित्रता को, सत्वम माने सात्विकता को अमृत समझ करके पियो। ये अमृत है। अमृत समझ करके पियो, ये अमृत पान कर लो। मुक्ति मिच्छसि चेत्तात् विषयान् विषौ त्यजे क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूष वत पीऊ। पीयूष माने अमृत, वत माने तरह, और पीऊ माने पियो। इन सब सद्गुणों को अमृत की तरह पी लो। कौन सद्गुण? क्षमा, क्षमा माने सहनशीलता को, आर्जो माने सरलता नम्रता को, और दया माने प्रेम और करुणा को, शौचम माने पवित्रता को, और क्या बताया, सत्वम सात्विकता को, इसको अमृत समझ करके पी लो। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात् विषयान् विषौ त्यजे क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूषवति पीयू। बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम् मनः मनेयो मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। मनुष्य के जीवन में बंधन का कारण विषयों में आसक्ति है, और मुक्ति का कारण विषयों से मन का अनासक्त हो जाना। बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम् मनः मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।